हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय मैटेची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक बीघा जो ज़मीन होता है उसमें कितने स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जो कि आप इस वीडियो में अगर देखेंगे तो दोस्तों आप आसानी के साथ इस वीडियो में सीख जाएंगे कि जो एक बीघा जो ज़मीन होती है, ठीक है, कितना इसमें स्क्वायर फीट होते हैं और कितना स्क्वायर मीटर होता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक बीघा जितना स्क्वायर फीट मीटर होता है, आपका यहाँ का यूपी का मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हर राज्य का जो स्क्वायर फीट मीटर होता है, यानी जो ज़मीन होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे यूपी हो गया, उसमें क्या होता है, अलग होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, हर जगह अलग अलग उसकी नाप होती है। तो मैं यहाँ पर यूपी का बताने जा रहा हूँ। इसके ज़रिए से आप समझ जाएंगे, आप अपने यहाँ का पता कर लीजिएगा कि कितना स्क्वायर फीट होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपके एरिया में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कई राज्य का बताया है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और क्या गोवा, फिर बहुत से, मतलब अलग अलग राज्य के मैंने बताया है कि आप उसमें जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना स्क्वायर फीट होती है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूपी का। तो ध्यान देखिए दोस्तों, जो यूपी का जो स्क्वायर फीट होता है कितना होता है, 27,000 स्क्वायर फीट होता है एक बीघा में। ये हो गया। अब हमें बताना है कि एक बीघा में कितना स्क्वायर मीटर होता है, इसी को हम समझने वाले हैं। स्क्वायर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये हिंदी में इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसका होता है वर्ग मीटर, इसको हम स्क्वायर फीट इस तरीके से शॉर्टकट में लिखा जाता है, ठीक। तो ये स्क्वायर फीट इसका हो गया और इसका स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक मीटर बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है। तो एक मीटर में कितना फीट होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 3.37 क्या होता है, फीट होती है। एक मीटर में 3.37 फीट होती है। तो हम इसको वर्ग फीट में बदलेंगे। जब वर्ग फीट में बदला जाएगा, सॉरी दोस्तों, जो एक मीटर जो होता है उसमें क्या होता है, 3.28084 फीट होती है। 3.28084 फीट होता है, टोटली इतना होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा ये फीट में है, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर फीट में बदलेंगे, ठीक। स्क्वायर फीट में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए। तो स्क्वायर मतलब होता है वर्ग होता है, किसी भी संख्या का दो बार गुणा। तो एक मीटर में इतना, तो इसका जब दो बार गुणा करेंगे, 3.28084 गुणे 3.28084, ये जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर फीट में बदल जाएगा। तो जब इसका हम गुणा करेंगे क्या होगा, 10.76 क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर फीट, ठीक। तो यानी कि एक मीटर में क्या हो जाएगा, 10.76 स्क्वायर फीट हो जाएगी। अब दोस्तों, एक मीटर का हमें पता चल गया कि इतना स्क्वायर फीट होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी को, एक बीघा में जितना स्क्वायर फीट होती है, जो स्क्वायर ये फीट है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे कि एक मीटर में इतना स्क्वायर फीट, तो हम इसको क्या करते हैं, बीघा, एक स्क्वायर फीट बराबर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर फीट बराबर इसको हम 1/10.76 मीटर लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें स्क्वायर फीट को अगर हमें मीटर बदलना हो, हमें जब स्क्वायर फीट को मीटर बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 10.76 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब स्क्वायर फीट को मीटर में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, 10.76 से भाग दिया जाएगा उस संख्या में। तो यहाँ पर हमारा एक बीघा में सत्ताईस हज़ार स्क्वायर फीट है, ठीक। तो 27,000 स्क्वायर फीट है, तो इसको हमें क्या करना है, मीटर में बदलना है, स्क्वायर मीटर में। तो क्या करेंगे, 10.76 से भाग दे देंगे, ठीक, 10.76 से भाग देंगे। जब इसको भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, 2599 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, स्क्वायर ये मीटर हो गया, ठीक। यानी 2599 स्क्वायर मीटर हो जाएगा एक बीघा में। तो समझे, यानी जब हमें स्क्वायर फीट को मीटर में बदलना हो, तो 10.76 से भाग देंगे। जब हमें मीटर को क्या करना हो, स्क्वायर फीट में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 10.76 से गुणा करेंगे। समझ गए दोस्तों, अगर इसी को हमें, जो हमारा स्क्वायर मीटर है, इसी को हमें अगर बीघा में बदलना हो, जो अगर हमें इसी को बीघा में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 25 गुणा कर देंगे, किसका,
10.76 में। जब इसी का हमें, जब ये स्क्वायर मीटर है इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर फीट बदलना है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा 27,000 स्क्वायर फीट आ जाएगी। गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ मैं कैलकुलेटर मशीन साथ लगा कर दिखा दूंगा आपको। तो यही दोस्तों हम किस तरीके से हम स्क्वायर फीट को बदलते हैं मीटर में, स्क्वायर मीटर में, और एक बैंक कितना स्क्वायर फीट होता है। तो आई होप आपको सारी जानकारी इस वीडियो मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।